G20 जो चलने वाला है पूरे कंट्री में, यू हैव सो मेनी इवेंट्स, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जहां पर भारत को एक शोकेसिंग हो रही है, भारत के राज्यों की शोकेसिंग हो रही है, वहीं इसको एक इलेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन प्रोपेगेंडा या इलेक्शन कैंपेन के तौर पर, क्योंकि मोदी जी की छवि को लेकर सब जगह बात होगी और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मोदी जी के साथ आएंगे, तो इट विल बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस ऑल्सो। नहीं तो क्यों ना हो, अगर मोदी जी को मोदी जी के समय में ही G20 का नेतृत्व तो भारत को मिला है और यशस्वी तरीके से अगर G20 की पूरी समिट सफलता से समाप्त होती है तो मोदी जी को यस मिलना ही चाहिए, क्यों ना मिले, किसको मिले, तो अपोजिशन को मिले, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने आयोजन किया है पूरी दुनिया आश्चर्यजनक तरीके से देख रही है, किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए, हमने हर राज्य को मौका दिया है, इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए। और आज समग्र भारत की विविधता का, अलग अलग हमारी संस्कृतियों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापस जाएगी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है हर चीज जो है वो गाजे बाजे के साथ किया जाता है, G20 भी वैसे ही किया जा रहा है, कंटेंट अगर हो या ना हो लेकिन उसको प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। देखिए मार्केटिंग का बेसिक सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छी हो तो ही लॉन्ग टर्म में मार्केटिंग सफल होती है। ये आपने वही गुजराती वाली बात कही, बेसिक सिद्धांत है। और अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो उसको गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने न रखे, 75 साल के अंदर भारत को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, सिर्फ प्रयास नहीं सफलता भी मिली है, उसको गौरव के सामने देश और दुनिया, गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए। और मैं मानता हूं ये प्रधानमंत्री जी का सिर्फ गौरव नहीं हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है।